इसे समझिए, आइस एज एक समय जब पृथ्वी फ्रॉस्ट और बर्फ में ढकी हुई थी। इस युग में कई प्रजातियों ने अनुकूलित किया और उनमें कुछ सचमुच सहनशील मछलियां थीं। उदाहरण के लिए आर्कटिक चार और झील की ट्राउट फ्रिजिड गहराई के मास्टर बन गए। ये चिली तैराक जीवित रहने के लिए अद्वितीय गुण विकसित करने वाले थे। कभी एंटी फ्रीज प्रोटीनों के बारे में सुना है? ठीक है, इन छोटे जीवन रक्षकों ने हमारे मछली दोस्तों को बर्फीले पानी में ठोस होने से बचाया। एक शानदार अनुकूलन के बारे में बात करें, लेकिन यह केवल जीवन के लिए नहीं है। ये आइस एज फिश ने हमें आज देखने को मिलने वाले विविध जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रोजन झीलों की गहराई से लेकर आर्कटिक की ठंडी धाराओं तक ये मछलियां फलती और विविध हुई। तो अगली बार जब आप झील की ट्राउट या आर्कटिक चार देखें, तो उनके बर्फीले मूल्यों और उनके उत्कृष्ट अनुकूलनों को याद रखें, जिन्होंने उन्हें बड़ी ठंड में जीवित रहने में मदद की। मौसम की परवाह किए बिना जीवन को रास्ता मिल ही जाता है।